है ओके, मैं कोई भी अल्कोहल ले लेती हूँ और इसके साथ मैं इसको ऑक्सीडाइज करूंगी। देखो ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन का मतलब तो आपको पता ही है कि आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन का मतलब और क्या हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन का मतलब याद होगा आपको, रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था आपने, तो ऑक्सीडेशन का कई सारे डेफिनेशन होते हैं, कई सारे फॉर्म में ऑक्सीडेशन को मानते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं ऑक्सीडेशन को, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का केस चलता है ऑक्सीडेशन में, ठीक है, और दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डीहाइड्रोजनेशन कहते हैं इसको। अच्छा, अब ये ऑक्सीडेशन करने के लिए मैं कौन कौन से रिएजेंट यूज करती हूँ? CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, A4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, A2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऐसे और दो तीन जो भी है आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करोगे। तो यूज करने पर क्या होगा, ये जो है यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक चलेगा। किस तरीके का बॉन्ड ब्रेक चलेगा देखो, यहाँ पे बताती हूँ आपको, इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, राइट। Isn't it RCH2OH? अल्कोहल मैंने ले लिया है और इसका यहाँ पे बेसिकली डीहाइड्रोजनेशन, डीहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। कहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल? एक तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, तो OH बॉन्ड के बस तो दिख गया मुझे यहाँ पे, साथ में यहाँ से भी ये बॉन्ड पेयर हटता है, बॉन्ड जो है यहाँ पे टूटता है यहाँ पे। अब यहाँ से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब ये मुझे क्या देगा, RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड कन्वर्ट हो चुका है बिकॉज अल्कोहल लिया है, बिकॉज मैंने एक 1 डिग्री अल्कोहल लिया है, तो दिस इज द केस मेरे यहाँ पे एक RCHO ग्रुप जुड़ चुका है, मतलब ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया है और साथ में H2 मॉलिक्यूल बाहर आएगा। इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्डिहाइड। अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड दे दिया, अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल लूंगी तो वही सेम ब्रेकेज बनेगा, सेम बॉन्ड ब्रेकिंग चलेगा और आपको उसमें कीटोन मिलेगा, क्लियर है। अच्छा, अब इस प्रोसेस के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे प्रोसेस को समझ में आ गया कि कहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक तो OH वाले ग्रुप से हाइड्रोजन निकल के जा रहा है बाहर और साथ में ऑक्सीजन के जो नेबरिंग ग्रुप कार्बन है उससे हाइड्रोजन भी बाहर निकल के जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ से H2 मॉलिक्यूल मैंने बाहर निकाल दिया, अभी बन गया एल्डिहाइड। तो इसके लिए एक चीज का बहुत जरूरी है जिसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन का होना। फॉर एग्जाम्पल अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके बाद गामा, उसके बाद डेल्टा, ऐसे चलेगा पूरा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, जितना वैसे तो आपको गामा डेल्टा के बारे में पढ़ना होता नहीं है, मोस्टली अल्फा और बीटा तक आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसके ग्रुप जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसके नेबरिंग को हम कहते हैं अल्फा कार्बन कहते हैं। तो अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है, अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो मेरा ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैरी आउट नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसके हाइड्रोजन टूट रहा है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन तो बिल्कुल होना चाहिए यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, नहीं तो अल्फा मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरीके का ऑक्सीडेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस चाहिए। एंड आपको बता दिया है व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा से हाइड्रोजन हटेगा आप देख रहे हो, तो अगर अल्फा से हाइड्रोजन होगा तभी तो हटेगा। सो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा कोई आपको ले लेती हूँ इस तरीके का, तो यहाँ पे आप मुझे बताओ तो यहाँ पे क्या इस तरीके का ऑक्सीडेशन आप करके इसको नेबरिंग एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट कर पाओ? तो मैम देखो यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो कहाँ से ये हाइड्रोजनेशन डिहाइड्रोजनेशन पे जाएगा ये, ठीक है। इसका मतलब है 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, पर 3 डिग्री अल्कोहल के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। तो हम दो लाइन यहाँ पे लिख देते हैं और उसके बाद हम चलते हैं 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल अंडरगोज ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजनेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, पर
3 degree alcohol. Does का मतलब है 3 degree alcohol undergoes dehydration. 1 degree, 2 degree alcohol के पास alpha hydrogen होता है, तो ये oxidation या dehydrogenation में जाता है. But 3 degree alcohol, ये dehydration में जाता है due to the absence of alpha hydrogen. के पास अल्फा हाइड्रोजन होता नहीं है तो वो क्या होता है, वो डिहाइड्रेशन में जाके एल्कीन का फॉर्मेशन करता है. एंड फॉर्म एल्कीन. थोड़ा सा आपको मैं कुछ पोर्शन छोड़ना नहीं चाहती हूँ, ध्यान रहे, थोड़ा ध्यान पे एक्सप्लेन. ठीक है, 1 degree, 2 degree अल्कोहल अंडरगोस ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन. मतलब डिहाइड्रोजन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया वहां पे. ऑटोमेटिकली उसको जाना पड़ता है, डिहाइड्रेशन में जाना पड़ता है एंड एल्कीन का फॉर्मेशन होता है. थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, 1 degree अल्कोहल लेते हैं आपके सामने. अच्छा, दूसरी और एक बार थोड़ा सा आपको लिखवा देती हूँ, फिर हम इसको रख करके चलेंगे. 1 degree अल्कोहल, ठीक है, प्लस ऑक्सीडेशन में जाएगा. 1 degree अल्कोहल को मैं ऑक्सीडेशन में ले लेती हूँ. चलो, मैंने इसको ऑक्सीडेशन में ले लिया है, मैंने CrO3 डाल दिया, कोई भी डाल सकते हो आप. ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, मोस्टली ये कीटोन में यूज करा जाता है. ठीक है, क्योंकि कीटोन इजिली ऑक्सीडाइज इसको मोस्टली वहां पे यूज करा जाता है. बाकी CrO3 वगैरह सिंपल इसमें आप डाल सकते हो. ठीक है, तो जब अल्कोहल 1 degree अल्कोहल रिएक्शन दिखाता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है. एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है. ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन होता है बच्चे, आपको मैंने बता दिया. ये 1 degree अल्कोहल दिखा रहा है, आपको अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है पूरा. अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होता है तो ये ऑक्सीडाइज होके पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है. ठीक है, अब उसके बाद उसको फिर ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. अच्छा, अब उल्टा प्रोसेस में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन से एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड का रिडक्शन से अल्कोहल बनेगा. ये फिर पढ़ोगे आप, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में पढ़ोगे. ठीक है, तो ये हो गया अल्कोहल से एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. अल्कोहल 2 degree अल्कोहल का जब मैं ऑक्सीडेशन करती हूँ तो यहाँ पे मैं CrO3 डाल सकती हूँ. डालने पर क्या होगा, 2 degree अल्कोहल मुझे कीटोन देता है, 1 degree अल्कोहल मुझे एल्डिहाइड देता है ऑक्सीडेशन के बाद. इसका एक एग्जाम्पल लेके आपको करवा दूंगी पूरा. ठीक है, और 2 degree अल्कोहल मुझे क्या देता है, 2 degree अल्कोहल मुझे कीटोन देता है यहाँ पे. ठीक है, और मैं कीटोन का हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ध्यान रहे कीटोन इज रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन. ये थोड़ा ऑक्सीडेशन में जाना पसंद नहीं करता है क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल बॉन्ड ब्रेक करने पड़ते हैं. किसका बॉन्ड ब्रेक करने पड़ते हैं, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है यहाँ पे मुझे कीटोन में, जो कि इजिली पॉसिबल नहीं हो पाता है. कार्बन कार्बन बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है तो उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है. पोलैरिटी नहीं रहती है वहां पे ना, कार्बन कार्बन है तो पोलैरिटी भी नहीं रहेगी, मुश्किल होता है ब्रेक करना. तो ये ऑक्सीडेशन में जाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट जा करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़ा डालना पड़ेगा. तो क्या हो जाएगा, कीटोन किसमें कन्वर्ट होता है, मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स. कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. क्लियर है,
ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल ले लूँ, 3 डिग्री अल्कोहल में अगर मैं वही ऑक्सीडेशन करने की कोशिश अगर करूंगी, ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा और यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होगा प्लस वाटर। क्यों? बिकॉज इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, राइट। तो ये एल्कीन देगा और वाटर मॉलिक्यूल देगा जब मैं इस तरीके का किसी भी केसेस को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करूंगी तो, ठीक है। तो ये आप लिख दो, इट इज नेसेसरी, बट हमें अभी क्या करना है, अभी इन तीनों का एक एक एग्जांपल लेके यहाँ पे करवा देती हूँ। यहाँ पे भी आपने देखा कि OH बॉन्ड क्लीवेज ही मुझे दिख रहा है यहाँ पे, है ना। ये अगर हो गया है तो हम आगे बढ़ेंगे। एवरीवन? यस मैम, यस मैम। हो गया। अच्छा अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 डिग्री। देखो मैं दोबारा नहीं आपको लिखवा चुकी हूँ, अब चेक कर लेते हैं कि मैच कर रहा है कि नहीं आपके साथ, ठीक है। अब हम चलते हैं, सीधे चलते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं और इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं हम, इसमें CrO3 में ऑक्सीडाइज ऑक्सीडेशन चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एक एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। कौन सा एल्डिहाइड? CH3CH2 और OH बॉन्ड क्लीवेज दिखेगा, यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन हट जाएगा, CH3CH2 बनेगा। अब इसको जब मैं फर्दर ऑक्सीडाइज कर दूंगी, मान लो अगेन मैं CrO3 डालू या KMnO4 डालू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप KMnO4 भी साथ में डाल सकते हो, ठीक है। अब जब इसको मैं करूंगी तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, एक एसिड में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन चल रहा है, बट यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब डिहाइड्रोजनेशन नहीं, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, देखो ऑक्सीजन के बीच में जुड़ हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या पता चला आपको, 1 डिग्री इथेनॉल मुझे क्या देता है, इथेनॉल देता है, और इथेनॉल मुझे क्या देता है, इथेनोइक एसिड देता है। बच्चे मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, आप नीचे अपना अपना नाम भी लिख दो नीचे। तो अल्कोहल से मुझे आपका एल्डिहाइड मिल गया और उससे मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल चुका है। यहाँ पे दूसरा वाला लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल है डेफिनेटली, और इसको जब मैं ऑक्सीडाइज कर दूंगी, मान लो मैं यहाँ पे CrO3 डालू या फिर KMnO4 भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब मैं ये डालूंगी तो इसमें होगा क्या, बेसिकली यहां से वही है, यहां से OH बॉन्ड, यहां पे OH बॉन्ड क्लीवेज होगा, हाइड्रोजन हट जाएगा, और यहां पे तो यहां पे भी हाइड्रोजन हट जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और साथ में यहां पे डबल बॉन्ड कीटोन बन गया। देखो यहां से हाइड्रोजन हट गया और कार्बन से भी हाइड्रोजन हट गया और साथ में ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। अब बारी आती है इसका, इसके ऊपर आपके वर्ड प्रॉब्लम भी दिया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बेसिकली दिस इज रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन पे जाना नहीं चाहता है, तो यहाँ पे विगरस ऑक्सीडेशन करा जाता है। विगरस का मतलब काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करा जाता है। क्यों नहीं जाता ऑक्सीडेशन में, क्या यहाँ पे जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या करा जाता है, मुझे K2Cr2O7 का अप्लाई करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, और साथ में यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर मैं बताऊँ तो 4 ऑक्सीजन शायद यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ता है, नेसेंट ऑक्सीजन मुझे 4 चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनता है, बट दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, यहाँ पे टूट जाता है, बीच में टूटता है, ये वाला एक एसिड ये वाला दूसरा एसिड बनाता है, ठीक है। तो क्या क्या बनेगा, एक तो ये एसिड बनेगा और दूसरा भी एसिड बनाएगा,
ये वाला भी एसिड बनाएगा। देख लिया आपने कीटोन है, टूटने के बाद क्या हो रहा है, दोनों पोर्शन एसिड बना रहे हैं। आप चेक कर लो, ये भी एसिड बना दिया CH3COOH बॉन्ड ब्रेक यहाँ पे हो रहा है, और दूसरा वाला जो है ये भी एसिड यहाँ पे बना रहा है। मिथाइल का एक कार्बन का कौन सा एसिड बनेगा, मेथनोइक एसिड बनेगा ना, एक कार्बन का। तो ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ना डिफिकल्ट हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा विगरस ऑक्सीडेशन मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, ओके, अच्छा। तो यहाँ पे जो आता है तो समझ में आ गया, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड देता है, उससे फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन देता है, कीटोन में मिक्सचर ऑफ एसिड बन गया ना, तो यह क्या क्या बन गया, मिक्सचर ऑफ एसिड्स। ठीक है, एक तो इथेनोइक एसिड बन गया, दूसरा मिथेनोइक एसिड बन गया। तो यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है मैम, एक डाउट है मैम, मतलब हम कैसे बदल जाएंगे, कौन से दो एसिड्स बनेंगे जब वो उससे करेगा, मतलब कहाँ पे बोल रहे हो कि मैम जब 2 डिग्री मतलब अल्कोहल से आग, तो कौन से दो एसिड बनेंगे, आप एक बार दोबारा बता दो। देखो बताती हूँ कैसे पता चलेगा आपको, थोड़ा ट्रिक मैं सोच रही थी आपको बाद में बताऊं, क्योंकि ना सारा ट्रिक अगर अभी पता चलेगा, इमीडिएटली पता चलेगा तो आप भूलोगे। आप धीरे धीरे करके, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि बहुत कम आता है, क्योंकि इतना कंसेप्ट तो टीचर भी नहीं पढ़ाते हैं। मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि क्या होता है ना, बच्चे सोचते हैं कि मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूँ, ये बॉन्ड ब्रेक करूँ, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करूँ, एसिड कैसे बनाऊँ, यही पूछ रहे हो ना। ये नहीं नहीं एसिड तो बन गया, सॉरी मतलब इसके आजन मैम इंटरमीडिएट में कीटोन तो बन गया, कीटोन से जो दो एसिड्स बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, कौन सी बनेगी, ब्रेक कैसे करेंगे। मैं वही तो बता रही हूँ कि कैसे पता चलेगा कि एसिड कौन से बनाएंगे, ये बॉन्ड तोड़े या ये बॉन्ड तोड़े, बात यही है ना। यस मैम, जैसे कि मान लो मैं ऐसे बताती हूँ मैम, इधर तो जैसे सिमेट्रिकल हो गया ना, तो मतलब दोनों कोई भी तोड़े तो सेम ही हो। ये ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको, जान लो, ये बुक में एनसीईआरटी में तो वैसे नहीं मिलने वाला है आपको कि हाँ ऐसा कभी लिखा है, आपको ऐसे बता दिया जाएगा कि बस एक एसिड टूटता है, एक कीटोन और दो एसिड में कन्वर्ट होते हैं, इतना आपको बता दिया जाएगा। बट अगर आपको देखना है कि एक्चुअली मुझे कैसे ब्रेक करना है, तो ध्यान रहे जब कोई भी कीटोन टूटता है यहाँ पे, तो ये तो सिमेट्रिकल है, यह तो सिमेट्रिकल है, आप यहाँ पे तोड़ो, यहाँ पे तोड़ो, बात तो वही बनेगा ना, इजंट इट। बट जब आप यहाँ पे चल, तो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे तोड़ोगे तो जो प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ पे तोड़ोगे तो क्या सेम प्रोडक्ट बनेंगे, नहीं बनेंगे ना। नहीं मैम, नहीं बनेगी, अनसिमेट्रिकल। कीटोन को आप तोड़ोगे, आप कीटोन को तोड़ोगे, कीटोन कहाँ कहाँ पे टूट सकता है, कार्बोनिल कंपाउंड पे दोनों साइड टूटेगा, ये कार्बोनिल ग्रुप आ गया बीच में, इसके दोनों साइड टूटेगा, तो आइदर ये टूटेगा या फिर ये टूटेगा। अब आपको पहचानना कैसे है कि मुझे कौन सा टूटना है, तो ध्यान रहे जिस के साथ या कार्बोनिल ग्रुप के साथ छोटा वाला एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है उसको साथ में रखना है और दूसरे को तोड़ देना है। क्लियर है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर जो छोटा एल्किल ग्रुप, यहाँ पे देखो दो एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस छोटे एल्किल ग्रुप को पूरा रखना है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के साथ रखना है और दूसरे बॉन्ड को, क्लियर है कि नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम, यस मैम। बताओ मैं कहाँ पे तोड़ू बॉन्ड, CH2 CH3 के साइड, यहाँ पे टूटेगा बॉन्ड। ध्यान रहे कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो छोटे वाले ग्रुप होते हैं उसको अटैच होके रहने देना है आपको, और जो यहाँ पे ब्रेक कर देना है, ये किस किस एसिड में कन्वर्ट होगा। किन दो एसिड में कन्वर्ट होगा, प्रोपेनोइक एसिड
नो इथेनॉइक एसिड एंड इथेनॉइक एसिड दोनों इथेनॉइक एसिड दो कार्बन यहाँ पे भी दो कार्बन है यहाँ पे भी दो कार्बन है तो इथेनॉइक एसिड बनेगा दोनों ठीक है दो इथेनॉइक एसिड पर कन्वर्ट हो जाएगा बट बिकॉज यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग पर लॉन्ग लेना पड़ता है तो मिक्सचर ऑफ एसिड के मतलब समझ में आ गया अब ये क्लियर है ना मैम एक बार आप एक और एग्जांपल मतलब पूरा एक रिएक्शन चेन ऑफ रिएक्शन लिख के बता सकते हो कहाँ पे तोड़ोगे मैम ये CH2 CH2 CH3 वाले पे मैम तो फिर इससे बनी क्या एक बता दो दो प्रोपनोइक एसिड बनेगा प्रोपनोइक एसिड एंड प्रोपनोइक एसिड तीन कार्बन एक डाउट है जो सबसे ये जो सेकंड वाला एग्जांपल आपने बताया इसमें भी क्या दोनों में वो सेम ही बनेंगे मेथनोइक एसिड सॉरी इथेनोइक एसिड हाँ दोनों में बनेंगे इथेनोइक एसिड दो कार्बन का कौन सा एसिड बनेगा मैम तो फिर आपने इधर CH3COOH और प्लस HCOOH क्यों लिखा आप एक कार्बन का कौन सा एसिड बनाओगे आप ओ अच्छा ठीक है मैम एक कार्बन का मिथनोइक एसिड ही तो बन सकता है ना यश ओके मैम क्लियर है पूरा क्लियर है ओके तो अब हम चलते हैं ये लास्ट वाला थोड़ा बताते हैं कि 3D अल्कोहल किस तरीके से दे रहा है उसके बाद आपको बताऊंगी कि मान लो मुझे रिएक्शन को आगे नहीं बढ़ाना है और इस लेवल पे स्टॉप करना है तो हम कौन कौन से रिएजेंट यूज मामा अब आगे अभी कंटिन्यू करने या ये लास्ट नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं हो गया खत्म कितना टाइम बचा है और तो आप ये एल्कीन वाला आपको कमिंग क्लास कराऊंगी हड़बड़ी में पढ़ाएंगे कोई फायदा नहीं है बच्चे टाइम अभी ऑफ हो जाएगा ठीक है ओके तो आपने जितना पढ़ा है उतना अच्छे से पढ़ लेना 3° अल्कोहल का जो एल्कीन वाला है घर में एक बार ट्राई कर लेना अपने से बाकी कमिंग क्लास सारा कराऊंगी कल हमारी एंट्रेंस क्लास होती है 6 बजे बच्चे एक पेपर अपलोड करूंगी